न्यू बोला रे परदेसां ते चिट्ठी आई येरा प्यात बिगड़ गया मेरा भाई और किसी का दोस्त नहीं सरे करड़ाई का फेरा और किसी का दोस्त जहाज थे वह पार करता था, पानी में डूब जाते हैं, क्योंकि साथियों जो इंसान धर्म कमाता है और उसके हाथ से अधर्म हो जाता है तो दिल में बड़ा दर्द होता है। आइए पहली बात में चिट्ठी में क्या लिख दिया के बता दिया, भराए भाई कलकत्ते तक पर डूब के ऐसी चिट्ठी आई, पाटन लगा रहा हाथ कांप के रोके ना रही लाई, मेरी बंबई में दो कोठी जड़ की कुछ ना पा बताई, भीतर बढ़ के रोवन लग्या भीतर बढ़ के रोवन लग्या चेहरा और किसे का दो कहीं सर करड़ाई का फेरा, मेरे और किसे का दो कहीं सर करड़ाई का फेरा। गौशाला बंद हो जाती है, जब पक्षियों के लिए दाना जाता था नाच जाता था वो भी बंद हो जाता है, पानी का चूहों का दुख पशु और जानवरों के लिए हो जाता है। आइए दूसरी बात में चिट्ठी में क्या लिख दिया क्या बता दिया, दुनिया ने चुको कमोरा ने मेरी गौशाला भी बंद करा दी टुकड़ा कंधोरा, सारे शहर में डांडी पिटकी खबर हुई और ने मेरी अवधपुरी में दो कोठीवा लूट ली, सेठ के सर पे चौगर देते सेठ के सर पे We'll be right back.
बनिए की जात चोट ने, सह बनिए की जात चोट ने, पेट पकड़ के खेगे मेरे जितने प्यारे मिंतन थे तब सासो ताने खेगे। धर्म गंगा मेरे नहाने आड़े पाप नीर में बैगे, मेरा जितना था धन माल खजाना जो लूटने लेगे। कदा कदा ते नामी थारे जो कंगाली इंसान को आ जाती है, और उस कंगाली में कोई इंसान कितना भी समझ के कोई काम करता है, अगर भगवान उसके काम को बिगाड़ देता है, बेकार हो जाता है, तो साथियों ये समाज ना जाने कैसे कैसे नाम कंगाली में इंसान को रखवाने पर मजबूर कर देता है। साथियों कंगाली बहुत बुरी चीज होती है। और चौथी बात के माध्यम से पंडित ने के बता दिया, फेकी खातिर घालू हाथ न फेकी खातिर टोटा आ गया जा, मेरी एक पैसे की ना हो कमाई सोका टूट फूटा। सुने दीवाला लिकड़न का जिब सहम सर्प सा लड़ जा, श्री लक्ष्मी चंद के धर्म तजे ते साहू का सोनोटेक कैसेट।